क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज आपको जो पढ़ाया जाएगा यूनिट सिक्स की क्लास डिस्कशन में आप देखिए रिसाइट एंड डिस्कस। रिसाइट मीन्स होता है कविता पाठ करना, कविता पढ़ना, कविता पाठ करना, कविता को पढ़ना, याद करना। और डिस्कस में से आपस में चर्चा करना, मैटर दैट कैन बी डिस्कस्ड अमंग टू और थ्री पर्संस दैट कॉल्ड डिस्कस। तो इस तरह से डिस्कस हम लोग करते हैं इसको। इन द क्लास डिस्कस जेनी, यू हार्डली सेड ए वर्ड। ये लड़की का नाम है जेनी, कह रहा है कि क्लास की डिस्कशन जब होता है, क्लास में जब चर्चा होती है, तो जेनी तुम मुश्किल से ही कोई शब्द कह पाती हो। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू आर वी हर्ड बेयरली। हम सभी लोग एयर्ड मतलब होता है अपनी व्यू को प्रकट करना, विचार को प्रस्तुत करना। तो कह रहा है कि वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन, हम सभी लोग अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, बट फ्रॉम यू आर वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुमसे शायद ही कुछ सुना जाता हो। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम चुपचाप बैठ करके आपस में बातचीत करने वालों के बीच घिर कर घूर घूर कर देखती रहती है और बिल्कुल चुप बैठी रहती है। नाउ टेल मी जेनी एंड प्लीज बी प्लेन। प्लेन मैंने स्पष्ट, साफ साफ। तो कह रहा है कि अब जेनी मुझे बताओ और क्लियर बताओ, ए देर एनी इन द मैटर, क्या कोई समस्या है, कोई बात है। जेनी लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक। जेनी तब वह ऊपर अपना सर करती है और फिर कहती है, हर वॉइस वॉइस क्लियर एंड लो। उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी है लेकिन स्पष्ट है। देर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, आपको पता है, जो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो ये कविता है, इस कविता का हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के पोस्ट करेंगे और याद करेंगे।